हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद उदित चैनल। आज जो आपको मैं वीडियो बताने जा रहा हूँ, इस वीडियो में मैं आपको लॉजीज पढ़ाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सीजीएल और रेलवे में लॉजीज से रिलेटेड। जैसे अभी 2019 में क्वेश्चन आया था कि स्टडी ऑफ डॉग्स को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ डॉग्स को बोलते हैं साइनोलॉजी। ठीक है, अब आपको अगर एग्जाम में याद नहीं है तो आप टिक नहीं कर पाओगे, इसलिए वर्ड का याद होना जरूरी है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मैं वर्ड बोलूंगा और उस वर्ड का मीनिंग बोल दूंगा। ठीक है, बाकी पीडीएफ मैं आपको लिंक में दे दूंगा, आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। सबसे पहला वर्ड है एक्यूरोलॉजी, इसका मतलब होता है द स्टडी ऑफ टिक्स एंड माइट्स। नेक्स्ट वर्ड है एक्टिनोबायोलॉजी, इसका मीनिंग होता है द स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन अपॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट वर्ड है एक्टिनोलॉजी, इसका मतलब होता है द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन केमिकल्स। नेक्स्ट है एरोबायोलॉजी, इसका मतलब होता है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी स्टडिंग ऑर्गेनिक पार्टिकल्स ट्रांसपोर्टेड बाय द एयर। एरोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटियोलॉजी होता है द मेडिकल स्टडी ऑफ कॉजेशन ऑफ डिजीज। एग्रोबायोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ प्लांट इन न्यूट्रिशन। एग्रोलॉजी होता है द ब्रांच ऑफ सॉइल साइंस डीलिंग विद द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। एग्रोस्टोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ ग्रासेस। एल्गोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ एल्गे। एलर्जोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ द कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जीज। एंड्रोलॉजी होता है स्टडी ऑफ मेल हेल्थ। एंजियोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ एनाटॉमी ऑफ ब्लड एंड लिम्फ वैस्कुलर सिस्टम्स। एंथ्रोपोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ह्यूमंस। एपियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ बीज। एरेक्नोलॉजी होता है स्टडी ऑफ स्पाइडर्स। आर्कियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ पास्ट कल्चर्स। आर्कियोजूलॉजी होता है स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स ओवर टाइम। एरियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ मार्स। एस्ट्रकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ क्रॉफिश। एस्ट्रोबायोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। एस्ट्रोजियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ जियोलॉजी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। ऑडियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ हियरिंग। ऑर्टिकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑफ एनी इंडिविजुअल स्पीशीज। बैक्टीरियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। बायो इकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लाइफ इन द एनवायरनमेंट। बायोलॉजी होता है स्टडी ऑफ लाइफ। ब्रोमैटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फूड। कार्डियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ हार्ट। कैरियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ सेल्स। साइटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ सीटेशियंस, जैसे व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स है। क्लाइमेटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ क्लाइमेट। कोलोपेट्रोलॉजी होता है स्टडी ऑफ बीटल्स। कॉन्कोलॉजी होता है स्टडी ऑफ सेल्स एंड मॉलस्क। कोनियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ डस्ट इन एटमॉस्फेयर। क्रेनियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ स्कल कैरेक्टरिस्टिक। क्रिमिनोलॉजी होता है स्टडी ऑफ क्राइम। क्रायोलॉजी होता है स्टडी ऑफ वेरी लो टेम्परेचर एंड रिलेटेड फेनोमेना। साइनोलॉजी होता है स्टडी ऑफ डॉग्स। साइटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ सेल्स। साइटोमॉर्फोलॉजी होता है स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। साइटोपैथोलॉजी होता है ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी दैट स्टडीज डिजीज ऑन द सेलुलर लेवल। एक बार आप इसको पढ़ोगे तो अपने ध्यान से पढ़ते रहोगे, अपने आप समझ में आता जाएगा, उसको मुझे डीप में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी होता है स्टडी ऑफ द एज ऑफ ट्रीज एंड रिकॉर्ड्स इन देयर रिंग्स। डेंड्रोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ट्रीज। डर्मेटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ स्किन। डर्मेटोपैथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ द फील्ड ऑफ द डर्मेटोलॉजिकल एनाटॉमिकल पैथोलॉजी। डेस्मोलॉजी होता है स्टडी ऑफ लिगामेंट्स। डायबिटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ डायबिटीज मेलिटस। डायपेट्रोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फ्लाइज। इकोहाइड्रोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड द वाटर साइकिल। इकोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। इकोफिजियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इंटररिलेशन बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म फिजिकल फंक्शनिंग एंड इट्स एनवायरनमेंट। एडाफोलॉजी होता है दिस अ ब्रांच ऑफ सॉइल साइंस दैट स्टडीज द रिफ्लेक्शन दैट स्टडीज द इन्फ्लुएंस ऑफ द सॉइल ऑन द लाइफ। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फेनोमेना एंड बॉडीली प्रोसेस। एम्ब्रायोलॉजी होता है स्टडी ऑफ एम्ब्रायोस। एंडोक्राइनोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इंटरनल सिक्रेटरी ग्लैंड्स। एंटोमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एंजाइमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ एंजाइम्स। एपिडेमियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। नेक्स्ट एथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। एक्सोबायोलॉजी होता है स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस।
एक्सोजियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ जियोलॉजी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, फेलिनोलॉजी होता है स्टडी ऑफ कैट्स, फेटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फीटस समटाइम्स कॉल्ड फेटोलॉजी, फॉर्मिकोलॉजी स्टडी ऑफ एंट्स, गैस्ट्रोलॉजी द गैस्ट्रो एंटरोलॉजी द स्टडी ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइंस, एंड देन जेमोलॉजी द स्टडी ऑफ जेमस्टोन्स, जियोबायोलॉजी द स्टडी ऑफ बायोस्फीयर एंड इट्स रिलेशन बिटवीन द लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फीयर, जियोक्रोनोलॉजी होता है स्टडी ऑफ अर्थ एज, जियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ अर्थ, जियोमॉर्फोलॉजी होता है स्टडी ऑफ प्रेजेंट डे लैंडफॉर्म्स, जेरंटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ द ओल्ड एज, ग्लेशियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ग्लेशियर्स, गायनेकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ मेडिसिन रिलेटेड टू वुमेन, हेमेटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ब्लड, हीलियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ सन, हीलियोसिस्मोलॉजी होता है स्टडी ऑफ वाइब्रेशंस एंड ऑसिलेशंस इन द सन, हेलिमेंथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ पैरासिटिक वर्म्स, हेपेटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ द लिवर, हर्बोलॉजी होता है स्टडी ऑफ द थेरेप्यूटिक यूज ऑफ प्लांट्स, हेट्रोटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ट्रू बग्स, हिपोलॉजी होता है स्टडी ऑफ हॉर्सेस, इसको याद रखना हिपोलॉजी स्टडी ऑफ हॉर्सेस, हिस्टोलॉजी होता है स्टडी ऑफ लिविंग टिश्यूज, हिस्टोपैथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड डिजीज टिश्यूज, हाइड्रोजियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ अंडरग्राउंड H2O, हाइड्रोलॉजी होता है स्टडी ऑफ वाटर, इक्नोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फॉसिल प्रिंट्स ट्रैक्स, इकिथियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फिश, इम्यूनोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, कैरियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ कैरियोटाइप्स, काइनेसियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ मूवमेंट इन रिलेशन टू ह्यूमन एनाटॉमी, काइमेटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ वेव्स, लैरेंजियोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ लैरिंग्स लैरेंजियोलॉजी, लेपिडोप्टेरोलॉजी होता है स्टडी ऑफ बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स लेपिडोप्टेरोलॉजी, लिम्नोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर एनवायरमेंट, लिथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ रॉक्स, लिम्फोलॉजी होता है स्टडी ऑफ लिम्फ सिस्टम एंड ग्लैंड्स, मेलकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ मॉलस्क, मैमालॉजी होता है स्टडी ऑफ मैमल्स, मेट्रोलॉजी होता है स्टडी ऑफ वेदर, मेथोडोलॉजी होता है स्टडी ऑफ मेथड्स, मेट्रोलॉजी होता है स्टडी ऑफ मेजरमेंट, माइक्रोबायोलॉजी होता है स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोलॉजी होता है स्टडी ऑफ साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड हैंडलिंग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, मिनरोलॉजी होता है स्टडी ऑफ मिनरल्स, माइकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फंजाई, मायोलॉजी होता है स्टडी ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ मसल्स, माइरोमेकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ एंट्स, नैनो टेक्नोलॉजी होता है स्टडी ऑफ मशीन्स एट मॉलिकुलर लेवल, नैनो ट्रायोबायोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ फ्रिक्शन ऑन द मॉलिकुलर एनाटॉमिक स्केल, नेमेटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ नेमेटोड्स, न्यूनेटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ न्यूबॉर्न इन्फेंट्स, नेफोलॉजी होता है स्टडी ऑफ क्लाउड्स, नेफ्रोलॉजी होता है स्टडी ऑफ किडनीज, न्यूरोलॉजी होता है स्टडी ऑफ नर्व्स, न्यूरोपैथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ न्यूरल डिजीजेस, न्यूरोफिजियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम, नोजोलॉजी होता है स्टडी ऑफ डिजीज क्लासिफिकेशन, ओशियनोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ओशियंस, ओडोंटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ड्रैगन फ्लाइज एंड डैम्स सेल्फीज, ओडोंटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ टीथ, ऑन्कोलॉजी होता है स्टडी ऑफ कैंसर, ओलॉजी होता है स्टडी ऑफ एग्स, ऑप्थैल्मोलॉजी होता है स्टडी ऑफ आइस, ऑर्निथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स, ओरोलॉजी होता है स्टडी ऑफ माउंटेन्स एंड देयर मैपिंग, ओरोप्थोपेट्रोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ग्रास हॉपर्स एंड क्रिकेट्स, ओस्टियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ बोन्स, ओटोलैरिंजियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ईयर्स एंड थ्रोट, ओटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ईयर, ओटोराइनोलैरिंजियोलॉजी स्टडी ऑफ द ईयर नोज एंड थ्रोट, ओटोराइनोलैरिंजियोलॉजी ओटो माने ईयर, राइनो माने नोज एंड लैरिंजो माने थ्रोट, पैलियोएंथ्रोपोलॉजी होता है स्टडी ऑफ प्रीहिस्टोरिक पीपल एंड ह्यूमन ओरिजिन्स, पैलियोबायोलॉजी होता है स्टडी ऑफ प्रीहिस्टोरिक लाइफ, पैलियोबॉटनी होता है स्टडी ऑफ प्रीहिस्टोरिक मेटाफाइट्स, पैलियोक्लाइमेटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ प्रीहिस्टोरिक क्लाइमेट्स, जो जो इंपॉर्टेंट लगेंगे वो आप खुद से, जैसे हिपोलॉजी बताया था स्टडी ऑफ फोर्सेस वो इंपॉर्टेंट है तो पढ़ते रहना, बार बार रिवाइज करने से ही होगा, बार बार रिवाइज करोगे तब जाके याद होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है इससे क्वेश्चन आता है। पैलियो इकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक एनवायरमेंट्स बाय एनालाइजिंग फॉसिल एंड रॉक स्ट्राटा, पैलियोन्टोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स, पैलियोफाइटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ एंशियंट मल्टी सेलुलर प्लांट्स, पैलियोजियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक मेटाजोन्स, पैलेंजियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ पॉलन, पैरासाइकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ पैरानॉर्मल एंड साइकिक फिनोमेना दैट डिफाई कन्वेंशनल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, पैरासाइटोलॉजी होता है
सॉरी, दिस इज पैलियो इकोलॉजी। पैरासाइकोलॉजी एंड पैलियंजियोलॉजी, पैलियोफाइटोलॉजी। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। Paleo ecology, the study of prehistoric environments by analyzing fossil and rocks. Paleontology, study of fossils. Paleophytology, the study of ancient multicellular plants. Paleogeology, study of prehistoric metazoans. Paleangiology, study of pollen. Parapsychology, the study of paranormal and psychic phenomena that defy conventional scientific explanation. Parasitology, the study of parasites. Pathology, study of illness. Petrology is the study of rocks and conditions by which they form. Pharmacology, the study of drugs. Phenology, the study of periodic biological phenomena. Phlebology, thus a branch of medicine that deals with venous system. Phonology, the study of vocal sounds. Phycology, the study of algae. Physiology, the study of functions of the living organisms. Phytology, the study of plants botany. Phytopathology, the study of plant diseases. Phytosociology, the study of ecology of plant communities. Paleontology, the study of planets and solar system. Planktology, the study of plankton. Pomology, the study, scientific study of fruits. Posology, the study of drug doses. Primatology, the study of primates. Proctology, the medical study of rectum, anus, colon and pelvic floor. Psychobiology, the study and psychology of organisms with regard to their functions and structures. Psychology, the study of mental processes in living creatures. Psychopathology, the study of mental illness or disorders. Psychopharmacology, the study of psychotropic and psychiatric drugs. Psychophysiology, the study of physiological basis of psychological processes. Pulmonology, the specialty in medicine for the disease of lungs and respiratory tract. Radiology, the study of rays ionizing radiation. Reflexology, the originally the study of reflexes and reflex responses. Rheology, the study of flow. Rheumatology, study of rheumatic diseases. Rhinology, the study of nose. Oto mane kya hota hai, ear, rhino mane nose and laryngeo mane throat. Sarcology, the subsection of anatomy that studies soft tissues. Itna detail mein se humko nahi jana hai, ye extra ho gaya. Sedimentology, a branch of geology that studies sediment. Seismology, the study of earthquakes. Selenology, the study of moon. Ye important hai. Serology, the study of blood serum. Cetiology, the study of diet. Sociobiology, ye padhne ki zarurat nahi hai. Somatology, the study of human characteristics. Somnology, the study of sleep. इंपॉर्टेंट है। स्पेलियोलॉजी द स्टडी ऑफ स्पेलियोलॉजी द स्टडी और एक्सप्लोरेशन ऑफ केव्स। स्टोमेटोलॉजी द स्टडी ऑफ माउथ। सिम्प्टोमेटोलॉजी द स्टडी ऑफ सिम्टम्स। साइनिकोलॉजी द स्टडी ऑफ इकोलॉजिकल इंटर रिलेशनशिप्स। टेक्नोलॉजी द स्टडी ऑफ प्रैक्टिकल आर्ट्स। थर्मोलॉजी द स्टडी ऑफ हीट। टोकोलॉजी द स्टडी ऑफ चाइल्ड बर्थ। टोपोलॉजी द मैथमेटिकल स्टडी ऑफ क्लोजनेस एंड कनेक्टेडनेस। Toxicology, the study of poisons. Traumatology, the study of wounds and injuries. Tribology, the study of friction and lubrication. Trichology, the study of hair and scalp. Typology, the study of classification. Urology, the study of urogenital tract. Vaccinology, the study of vaccines. Virology, the study of viruses. Volcanology, the study of volcanoes. Xenobiology, the study of non-terrestrial life. Xylology, the study of wood. Zoo archaeology, the study and analysis of animals remain at archaeological sites to animals and their environment. Geology, the study of animals. Zoopathology, the study of animal diseases. Zoopsychology, the study of mental process in animals. Zymology, the study of fermentation. तो मैंने आप लोग के साथ आज काफी सारी लॉजीज डिस्कस करी। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो इसकी पीडीएफ का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आप वहां से डाउनलोड कर लेना। और दूसरा, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कैसी लगी। और ये लॉजीज वाले वर्ड पढ़ के जरूर चले जाना। देखो मैं बार बार कहता हूँ, जो एग्जाम में आता है वो पढ़ के जाया करो, ठीक है? फालतू की चीजें मत पढ़ो, एग्जाम पेपर को एनालाइज करो। जो जो एग्जाम में आता है उसको एक साइड में नोट बना के पढ़ते हो कि मुझे ये पढ़ना है। बाकी वीडियोज में अपलोड करता रहूंगा, उनको देखते रहना, ठीक है स्टूडेंट?
आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। थैंक यू।